दोस्तों ये है 12% क्लब एप्लीकेशन जो कि भारत पे का है और आपको मालूम होगा कि आरबीआई की तरफ से P2P को लेकर एक नई गाइडलाइन लाया गया जिसमें कहा गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हर महीने जैसे ही वरोवर पे करेगा वैसे ही यहाँ पर आपको देना है ताकि जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो निकाल सकेंगे। लेकिन इसका असर जो है 12 क्लब एप्लीकेशन पर देखने को नहीं मिला और यही आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मोबीक्विक ने किस तरह से अपडेट किया, चेंजेस किया, लेकिन इसने किस तरह से किया है वो सब कुछ आप देखेंगे। जैसे ये इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा यहां पर शो हो गया है जो कि पोर्टफोलियो वैल्यू आप देख सकते हैं कि इतना बताया गया है। अगर मैं विड्रो अमाउंट पर क्लिक करूं तो आप यहां पर देखेंगे कि बताया गया कि 2 दिन लग जाएंगे। चलो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो यहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब लॉक इन वाला में मैंने डाला था जो कि आप देखेंगे यहां पर 12 मंथ का लॉक इन पीरियड है जो कि मैच्योरिटी डेट भी बता दिया गया कि कब पूरेगा। उसके बाद इसमें भी बता दिया गया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से। तो यहां पर जो P2P इन्वेस्टमेंट है इसमें भी हुआ है और इसमें भी जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर NBFC जो इनका पार्टनर है जो P2P है उसके तहत ये जो है लोन पर देते हैं। तो यहां पर आपने 12 क्लब एप्लीकेशन में देखा कि कहीं भी ये चीजें मेंशन नहीं की गई है कि आपको अगले महीने के 12 तारीख को या 15 तारीख को जब उधर से रीपेमेंट होगा उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, जबकि इन्होंने क्लियरली यहां पर अभी भी मेंशन कर रखा है कि मैच्योरिटी आपका 8 नवंबर 2024 को पूरेगा, उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर प्लान को इनेबल करता हूं तो देखिए नो इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड बता दिया गया और यहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ लॉक इन पीरियड में शो हो रहा। अब मोबीक्विक में भी 2 प्रकार के प्लान था जो कि फ्लैक्सी और फ्लैक्सी प्लस। फ्लैक्सी में क्या होता था कि जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट करिए और जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं, और फ्लैक्सी प्लस में लॉक इन पीरियड सेम इसी प्रकार से होता था, 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने, इस तरह से आप वहां पर लॉक इन डाल सकते थे। अब RBI के नए गाइडलाइन जब आया तो मोबीक्विक का जो लेंडर था जो कि लेंडबॉक्स उन्होंने चेंजेस कर दिया और जो फ्लैक्सी प्लान में इन्वेस्टमेंट था और फ्लैक्सी प्लस प्लान में इन्वेस्टमेंट था सारे को जो है नए नियम के अनुसार बदल दिया। और अभी जो हम लोग मोबीक्विक में जाते हैं तो लिखता है कि भैया 12 तारीख को आना, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा और जो प्रिंसिपल उसमें होगा उतना आप विड्रॉ कर पाएंगे, यानी हर महीने विड्रो वाला सिस्टम लगा दिया गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मैच्योरिटी जब होगा तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर बदलाव करना चाहिए तो इसको भी करना चाहिए। इससे आप समझ सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मोबीक्विक से पूछ सकते हो। मैं तो पूछ कर थक गया हूं, बस वही बता रहा है कि जो चेंजेस हुआ है वो सभी के लिए हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी इनका भी पार्टनर आप देखोगे तो NBFC पार्टनर है P2P जो कि प्राइवेट लिमिटेड ल्यूकी लोन की तरफ से इनका पार्टनरशिप है। और यहां पर इसी के तहत जो P2P है ना ये भी है और इन पर भी वही नियम लागू होता है। नए इन्वेस्टमेंट इसमें रोक दिया गया है जो कि काफी पहले से है, रीओपनिंग सून बताया गया है। तो मुझे लगता है जब नए इन्वेस्टमेंट यहां पर लाया जाएगा तो नए गाइडलाइन के अंतर्गत ही लाया जाएगा, लेकिन पुराने वाले में कोई भी बदलाव इन लोगों ने नहीं किया जिस तरह से मोबीक्विक पर बदलाव देखने को मिला। मैं सिर्फ आपको यह बता दिया हूं कि 12 क्लब में अभी यह स्थिति है और मोबीक्विक में यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं जहां एक एप्लीकेशन अभी लॉक इन पीरियड में ही बता रहा कि मैच्योरिटी अमाउंट पूरेगा तो आप विड्रो कर सकती हैं, यानी हर महीने की सिस्टम इसमें लाया नहीं गया है। हो सकता है आगे अगर लाया जाए तो इसके ऊपर भी मैं सूचना दूंगा, जो कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस अपडेट के बारे में आपको क्या कुछ कहना है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपने सब कुछ देखा, आप भी अपने एप्लीकेशन में ट्राई करके देख सकते हो, ये अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मोबीक्विक से आप बात करना चाहते हैं जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।